टोटल कंफर्म केसेस 2,301 हैं। अभी तक कोविड-19 से टोटल 56 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ्स जो हैं वो कल रिपोर्ट हुई हैं। अब तक टोटल 157 पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हो भी चुके हैं। इस संबंध में जैसे कि आप सबकी नॉलेज में है, अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले दो दिनों में करीब 647 केसेस 647 कन्फर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं, जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं, विच आर अंडमान एंड निकोबार, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो हमारे केसेस में बढ़ोतरी हुई है उसके मुख्य कारण एक पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारे केसेस आए उसकी वजह से हुई है, नहीं तो जो हमारे लॉकडाउन के एफर्ट्स थे, जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के एफर्ट्स थे, उससे केसेस तो आ रहे थे लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो जिसकी वजह से फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब समझें कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील कर रहे हैं, और इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील करते समय अगर कहीं पर भी एक भी फेलियर होती है तो हम लोगों को दोबारे से हम पीछे चले जाते हैं और हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। इससे संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग से रिलेटेड एडवाइजरी भी जारी की है।